नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा के स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत सुंदर से स्पाइडर प्लांट के साथ। दोस्तों, बहुत ही अच्छे से सभी जो प्लांट है ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम एक दिन पानी ना दे तो दोस्तों सभी प्लांट मुरझा जाते हैं। और आज सुबह मैं इनमें पानी नहीं दे पाई तो सारे प्लांट थोड़े से लटक से गए थे। मैंने अभी इनको सभी को अच्छे से शावरिंग करा दी है और सभी खुश है, सभी प्लांट खुश है, क्योंकि दोस्तों सभी को जिसकी चीज़ की ज़रूरत होती है वो मिल जाए तो खुश होना वाजिब है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, ये है मेरे नाइट जैस्मिन, रात रानी का प्लांट। और देख सकते हैं दोस्तों, हेवी ब्लूमिंग हो रही है। और मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं छोटा सा मेरा प्लांट है। और आप देखेंगे इसमें कितनी कलियाँ हैं, बंच में फूल आते हैं फ्रेंड्स, इसमें बंच में आते हैं। और छोटे छोटे से इसके स्टार की तरह फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही खुशबूदार इसके फ्लावर्स होते हैं। और इसको नाइट जैस्मिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रात में फ्लावर खिलते हैं, और रात में खिलने के साथ साथ पूरे गार्डन को इतना महका देते हैं ये। आप एक फूल तोड़कर आपके हाथ में लेकर देखिए, आपका हाथ भी महक उठेगा। तो दोस्तों, ऐसे प्लांट है जो ये समर का, और दोस्तों मेरे तो विंटर में भी इसमें फ्लावरिंग हुई थी। जैसे ही इसमें फ्लावरिंग ख़त्म होती है मैं इसकी पिंचिंग कर देती हूँ, अच्छे से ड्रिप प्रूनिंग कर देती हूँ। सॉरी, आप देख सकते हैं मैंने कहीं कितनी जगह से सभी जगह से इसको बिल्कुल कट कर दिया था, तो फिर वहाँ से टहनियाँ, नई नई ब्रांचेस निकली है। और उसके बाद आप ब्लूमिंग देख सकते हैं कितनी हेवी ब्लूमिंग हो रही है। और जैसे ही रात होने की देर है दोस्तों, सभी फ्लावर खिल जाएंगे और मेरा गार्डन जो है पूरा महक उठेगा। तो दोस्तों, ऐसे प्लांट हमें ज़रूर लगाने चाहिए, और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है ये प्लांट। दोस्तों, मैंने कटिंग से इसको ग्रो किया है और बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग चल गई है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और मैंने इसके बीज वगैरह नहीं देखे हैं क्योंकि मेरे पास ये छोटा ही प्लांट है, गमले में लगा हुआ है, और गमला भी आप देख सकते हैं कितना छोटा सा है। और दोस्तों, क्या चाहिए हमें इसके अलावा। दोस्तों, इसकी जड़ें जो आप देख रहे हैं बाहर तक आ गई है, लेकिन मुझे इसे बिल्कुल भी हटाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि अगर मेरा प्लांट ख़राब हो जाता और मेरे पास एक ही प्लांट था, तो इसलिए मैंने पहले इसकी कटिंग ग्रो की है। और कटिंग ग्रो करने के बाद जब उसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है, तो फिर जिसके अब ये फूल खिलने के बाद जब वापस से मैं इस प्लांट को फ्लावरिंग के लिए तैयार करते हैं, हम फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं, तो थोड़ी सी गर्मी निकल जाएगी। फिर बारिश के टाइम पे मैं इसके गमला चेंज कर दूंगी। और अभी फ़िलहाल तो गर्मियाँ बहुत हो गई है, तो गर्मियों में प्लांट को रिपोर्ट करना थोड़ा सा रिस्की होता है, और मैं अपने प्लांट के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अभी मैं डेली इसमें वाटरिंग कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके फर्टिलाइज़र की हम बात करें तो फर्टिलाइज़र मैं इसमें बनाना प्रिल देती हूँ, मस्टर्ड केक देती हूँ, और जो मैंने सभी समर प्लांट को अभी जो पिंच प्रून करने के बाद दिया है, जो हेवी फर्टिलाइज़र हम देते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए, वही फर्टिलाइज़र मैंने अपने प्लांट को दिया है। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं देती रहती हूँ हर 15 दिन, 10 दिन में, हर 10 दिन में विंटर में, और 15 से 20 दिन में समर में। तो आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट ये हमारे सामने है। दोस्तों, मैं ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ, तो ऑर्गेनिक का रिजल्ट थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन अच्छा मिलता है, और मन को थोड़ा सुकून भी मिलता है कि चलो भाई, हमने अपने हाथों से कुछ चीज़ तैयार की है और ये हमारे प्लांट को पसंद आ रही है, तो वही मैंने किया है। और दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये मैंने कटिंग यहाँ पर लगाई थी। दोस्तों, मैं अपने कटिंग स्पेशल कुछ मैं कप वगैरह में लगा देती हूँ, ऐसे कुछ ज़्यादा इसके लिए तैयारी नहीं करती हूँ। और ये जो भी मेरे को पॉट मिल जाता है, जो इंडोर का पॉट है दोस्तों, ये इंडोर प्लांट का, तो उसी के साथ मैं लगा देती हूँ, क्योंकि दोस्तों इसी इस प्लांट के साथ साथ हम इसकी भी केयर कर लेंगे, और इसके ड्रेनेज वगैरह भी अच्छे होते हैं। मिट्टी जो है, मैं नीचे इसके सभी प्लांट के जो पत्तियों की खाद वगैरह मैं
पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ डाल देती हूँ नीचे और उसके ऊपर मिट्टी डालती हूँ, तो वो खाद नीचे बन जाती है। तो उससे क्या होता है कि मिट्टी वैसे ही पोरस हो जाती है और खाद और मिट्टी दोनों मिलकर मेरी बहुत ही अच्छे से मिट्टी और खाद मिलकर अच्छे से मिट्टी तैयार हो जाती है, पोरस मिट्टी तैयार हो जाती है, तो मेरी कटिंग अच्छे से चल जाती है। तो मेरी सारी कटिंग ज़्यादातर प्लांट में ही लगी रहती है, मैं आपको दिखाती भी हूँ, और स्पेशल काय में लगाती नहीं हूँ, दूसरे गमले जो बड़े गमले आते हैं उसमें लगा देती हूँ, छोटे गमले में भी लगा देती हूँ। और आप देख सकते हैं रिजल्ट मेरा, पूरा गार्डन दोस्तों मैंने कटिंग और बीज से ही तैयार किया है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सारे प्लांट चल रहे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत होती है, अब अगर नर्सरी ना हो तो अगर शौक पूरा करना है तो आपको ये सब करना ही होगा, और थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए दोस्तों और अपने प्लांट तैयार कर लीजिए, और सभी प्लांट को दो दो तीन तीन गमले में लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों इंसान ही नहीं बच पाते हैं कितना ही इलाज करने के बाद, तो पौधे का क्या है, सभी को एक दिन जाना रहता है, तो वही प्लांट भी कभी ना कभी ख़राब होते हैं, चाहे हम कितनी केयर क्यों ना कर लें, तो वो प्लांट हमारे पास बचा रहे, इसलिए आप दो तीन गमलों में इन प्लांट को लगा कर रखिए। और दोस्तों बहुत ही पोरस मिट्टी बना ली है, अभी तो मेरे इसमें बहुत ही रूट फैल गई है, छोटा गमला है इसलिए थोड़ा से बड़े पॉट में मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी, पोरस मिट्टी बनाइए और साथ में गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी तैयार कीजिए और बालू रेत मिला दीजिए। दोस्तों सभी का एक ही फॉर्मूला होता है लगभग, और कोई कोई से प्लांट होते हैं जिसके लिए थोड़ी सी अलग रिच, मतलब जो चिकनी मिट्टी वगैरह होती है वो तैयार की जाती है, लेकिन जो गमलों के लिए मिट्टी तैयार की जाती है दोस्तों वो पोरस ही होती है, क्योंकि अगर गमलों में पानी भर जाएगा तो फंगस लगने का डर होता है, तो हमें हमारे समर प्लांट को बचा के रखना है, फंगस नहीं लगना है, और फिर उसके बाद परमात्मा की मर्जी। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हैवी ब्लूमिंग हो रही है मेरे प्लांट में, और बहुत ही सुंदर ये प्लांट लग रहा है। और तो दोस्तों समर प्लांट लगाते रहिए, यह है मेरा रात रानी का पौधा और बहुत ही सुंदर प्लांट है, तो धन्यवाद दोस्तों।